सब्सक्राइब कीजिए बी आर के डिप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बी आर के डिप चैनल में फिर से आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे ग्लो इफेक्ट कैसे दे किसी भी सॉन्ग में या किसी भी डांसिंग में। तो सबसे पहले हम एक वीडियो इंपोर्ट यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आपने जहाँ भी वीडियो आपने रखा है वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डांसिंग के नाम से, मैंने किया था यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ जैसे ओपन करते तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो आ गया है डांसिंग के नाम से। इसी को हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देंगे और हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू न्यू के बाद यहाँ पे जाएंगे सॉलिड पे। सॉलिड पे जाके यहाँ पे जैसे सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे एक नाम दे देते कुछ भी, यहाँ पे हम लाइट यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे लेयर वन के नाम से लेयर वन। ठीक, यहाँ पे ओके करेंगे एंड यहाँ से हमारे पास ये लेयर आ गया है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से आइज इसको बंद कर देंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है इस पे इस डांसिंग लेयर पे इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इस पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे डबल क्लिक करेंगे हमारे पास लेयर डांसिंग के नाम से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है ब्रश पे, यहाँ पे देखेंगे ब्रश पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रश टूल, यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी करेंगे फिर भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे है और उसके बाद पेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ये नॉर्मल रहने देते हैं और उसके बाद ये चैनल्स ये आरजीबी ये है तो इसको ए पे ही रहने दे। ठीक है, यहाँ पे आरजीबी अल्फा तो इसको आरजीबी ए पे रहने देते और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो ड्यूरेशन है यहाँ पे सिंगल फ्रेम पे आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये तीन सेटिंग आपको करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाके आपको ब्रश जो भी है आपको यहाँ से देखना है कितना आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपको मैं ये 35 का यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ से आप कलर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कलर चॉइस कर सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक यहाँ से यहाँ तक ले लिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मोटा हो गया तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का छोटा लेंगे ये ठीक है। और इस पर हम जैसे करेंगे इस तरह से ये देखेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कंट्रोल प्लस पेज डाउन जैसे करेंगे तो हमारे सेकेंड लेयर पे सेकेंड यहाँ पे देखेंगे एक फ्रेम यहाँ से आगे चला गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से यहाँ से मूव करना है यहाँ से यहाँ तक, फिर से कंट्रोल पेज डाउन, फिर से आपको क्या करना है यहाँ से फिर से यहाँ नीचे लेके आना है और फिर से वही प्रोसेस है। तो आप यहाँ से करते रहे, अब इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद आपको कलर चेंज करना है, पेज डाउन फिर से कर देते हैं यहाँ पे। और अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ से आगे ऊपर हमने कलर चेंज करा, मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक हमने ये कर दिया पेज डाउन एंड यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कर दिया पेज डाउन एंड यहाँ से ले लेते यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक ले दिया पेज डाउन एंड उसके बाद अब फिर से यहाँ नीचे से लेके यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ जाते हैं पेज डाउन। ये हमारा ये इतना हो गया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही तो जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पे ये इस तरह से आएगा। ठीक है, हमारा जो लास्ट है ये है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, एक पेज डाउन फिर से ले लेते और इसके बाद लास्ट यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर देते। ठीक है, ओके, हमारे पास आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे किसी भी आप मूवी सॉन्ग में या डांसिंग में इस तरह का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको अगर ग्लो इफेक्ट देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है इस बटन पे इफेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके पेंट को जो है यहाँ पे पेंट को यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे और इस पे क्या करेंगे, इस पे जैसे हम इस पे क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। अब जैसे पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास इसको अगर मिनिमाइज कर दे तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, देख लीजिए इस तरह से।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे नॉर्मल पे, और नॉर्मल पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ से आप यहाँ से लाइटन भी कर सकते हो या आप यहाँ से कर सकते हो स्केल, ये दो ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्लो देना है, तो ग्लो देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है आपको इफेक्ट में, इफेक्ट में जाके आपको जाना है यहाँ पे स्टाइलिश एंड ग्लो। जैसे ग्लो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा ग्लो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे भी आपको जितना भी रखना है आपको यहाँ से आपको अपने हिसाब से यहाँ से ग्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं इतना कर देता हूँ। तो आप जैसे ही करेंगे आप देखेंगे ये इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे अगर किसी भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर कम ज़्यादा आपको करना है तो यहाँ से आप सेटिंग से आप यहाँ से कम ज़्यादा, अब जैसे देखेंगे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब जैसे करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें मान लीजिए हमें यहाँ से 1 सेकेंड तक ये चलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर ये बंद करना है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बंद करना है, एन दबाएंगे, जैसे एन दबाएंगे तो यहाँ तक ये हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपको यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन पे अगर आपको इसको रेंडर करना है तो यहाँ पे देखिए ऐड टू रेंडर, यहाँ पे सीक्वेंस पे जैसे ऐड टू रेंड सीक्वेंस पे क्लिक करें, आपको क्या करना है सीधा यहाँ पे रेंडर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे रेंडर क्लिक कर देंगे तो आपके पास देखेंगे इस तरह से आपके पास होने लग जाएगा, इस तरह से, इस तरह से आपका इफेक्ट जो है इस तरह से होने लग जाएगा, ठीक है। तो आप अपने तरफ से कैसे भी इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।